अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर हसीब बात कर रहा हूँ और अभी मैं सर सलीम के साथ बैठा हूँ जो कि ईएनटी स्पेशलिस्ट है। तो अभी सर के साथ एक ना 6 लाख वाले साइकिल का वाक्य डिस्कस हो रहा था, तो अभी सर ने एक साइकिल ली है और माशाल्लाह सर के पास सर की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चलती है और माशाल्लाह अच्छी खासी गाड़ियाँ भी हैं, लेकिन सर ने साइकिल भी लिया। तो मैं सर से पूछना चाहता हूँ कि सर ने साइकिल क्यों चूज़ किए हैं, साइकिल क्यों प्रेफर किया, गाड़ियाँ होने के बावजूद भी सर ने साइकिल बाय किया, उस पर आते हैं तो क्या वजह सर साइकिल की? सिर्फ बुनियादी तौर पे एक तो फिज़िकली फिटनेस, बंदा फिट रहता है फिज़िकली, और दूसरा ये है कि जस्ट टू प्रमोट द साइकिलिंग, द इजी वे ऑफ ट्रांसपोर्ट, सस्ती पड़ती है। अगर आप साइकिल को यूज़ करते हैं तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो आपकी हेल्थ के लिए बेहतर है, दूसरा अगर इसको प्रमोट करते हैं तो दिस इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली आल्सो, एंड अगर ये प्रमोट होती है, अगर गवर्नमेंट साइकिल ट्रैक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रोड्स है ना उनके ऊपर ही अगर साइड के ऊपर 5 फुट का जो साइकिल ट्रैक बना दें तो इससे साइकिलिंग की प्रमोशन होगी और इससे आपका जो एनवायरनमेंट है वो बेहतर होगा, रोड्स के ऊपर आपका जो ट्रैफिक का लोड कम होगा और उससे आपकी जो पेट्रोल की सेविंग है, फ्यूल कंजम्पशन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि गवर्नमेंट जो है ना इसको टेक ओवर करे और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी में रहते हुए आप साइड रोड्स के साइड्स के ऊपर, जैसे हॉलैंड में एम्स्टरडम में है कि साइकिल ट्रैक बनाए हुए हैं और लोग साइकिलिंग को प्रमोट करते हैं, इससे बहुत सारे हमारे मसाइल का हल हो सकता है। थैंक यू। और हमारे हॉस्पिटल में मशहूर था कि सलीम साहब ने 6 लाख की साइकिल ली है, तो मैं सर से पूछूंगा सर साइकिल वाकई 6 लाख की है? नहीं, 6 लाख की साइकिल नहीं ली मैंने, 40,000 की साइकिल ली है सर। FIA से बचने के लिए तो नहीं बोल रहे। ट्रूली स्पीकिंग दिस इज जो 40,000 की साइकिल है ना, बहुत शुक्रिया।